सो बेसिस एंड डायमेंशन सेक्शन 1.6। ओके, सो जो सेक्शन 1.6 है ये 1.4 एंड 1.5 को मिलके बनाए। सेक्शन 1.6 पढ़ने के लिए आपको सेक्शन 1.4 आना चाहिए और सेक्शन 1.5 आना चाहिए, तब जाके आपका 1.6 बनेगा। सेक्शन 1.4 में क्या पढ़ा आपने? लीनियर स्पैन। वैसे तो आपने उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी लीनियर स्पैन। तो इसमें आपने पढ़ा स्पैन ऑफ सेट। क्लियर। अब 1.5 में आपने पढ़ा लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो आई एम टेकिंग हियर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई सेट है वेक्टर स्पेस भी को जनरेट करता है एंड ये सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है एक बेसिस। ठीक है, तो हम एक्चुअली में बेसिस पढ़ेंगे 1.6 में। और जो बेसिस की कार्डिनैलिटी होगी, ठीक है, जो बेसिस की कार्डिनैलिटी होगी उसको हम कहेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वी इज नथिंग बट द कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस एंड द बेसिस इज नथिंग बट द सेट विच इज एलआई एंड जेनरेट द वेक्टर स्पेस वी। तो ये एक्चुअली हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो फर्स्ट है हमारा बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीनियर एलजेब्रा का थ्रू आउट, बेसिस एंड डायमेंशन। सो ए बेसिस बी फॉर ए वेक्टर स्पेस वी इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी दैट जेनरेट्स वी। ठीक है, दैट इज इफ वी इज ए सबसेट ऑफ वी, इज बेसिस वी क्या है, सबसेट ऑफ वी ए इज द बेसिस इफ v is linearly independent and this v is span or generate to vector space v। तो जब भी आपको basis show करना है किसी भी set को, given set को, आपको जो भी set given होगा वो vector space का subset ही होगा। अगर उसको हमें basis show करना है तो first हमें उसको एक बार li show करना है, second ये show करना है कि वो span जो है पूरे vector space v को span कर देता है। तो ये दो कंडीशन हमें ऑलवेज याद होने चाहिए फॉर बेसिस। ठीक है, ये दो ऑलवेज याद रखेंगे आप, li और span to v, generate to v। अब यहाँ पे v को हम कहेंगे ऑफकोर्स v इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v या v इज द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस v। और हियर वी ऑल्सो से वेक्टर्स ऑफ v फॉर्म ए बेसिस फॉर v, कहने का तरीका है जस्ट। Now some example, suppose we have the trivial space, so V is equal to 0 है, और इसका जो li subset होगा वो क्या होगा, empty set ही होगा, क्योंकि itself ये क्या है, ये तो LD है, लेकिन कोई basis अगर हो रहा है तो basis को क्या होना चाहिए, li होना चाहिए और उसको span कर देना चाहिए, वो जो vector space है उस पूरे को span कर देगा वो। So v ट्रिवियल स्पेस है तो इसका सबसेट एम्प्टी सेट, स्पैन करता है तो वी नो द स्पैन ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाई इज ऑलवेज ऑल्सो वी नो फाई इज एल आई, सो दिस फाई इज बेसिस फॉर ट्रिवियल स्पेस v। ठीक है, ट्रिवियल स्पेस का जो बेसिस होगा वो फाई होगा। एग्जाम्पल टू, सपोज आर स्क्वायर है, ठीक है, इस टाइप से a कॉमा बी वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो इट्स बेसिस विल बी 1,0, 0,1, दिस इज द बेसिस फॉर आर स्क्वायर। अब इजीली आप देख सकते हो b स्पैन टू आर स्क्वायर एंड दिस b इज li, इसको li देखना है तो आप दो अगर वेक्टर है तो आप इजीली देख लो क्या ये एक दूसरे में लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है या एक दूसरे का कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये एल आई होगा। अदरवाइज आप एल आई की जो डेफिनेशन है उसका यूज कर सकते हो, स्केलर विल बी आइडेंटिकली वो जीरो आएंगे। दिस बी इज द बेसिस फॉर आर स्क्वायर।
स्पेशल हमारे जो भी वेक्टर स्पेस उनकी हम यहाँ पे बेसिस फाइंड आउट करेंगे। खैर ये तो एक्चुअली उन्हीं में से हमने ये आर स्क्वायर उठाया है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एफ एन स्पेस। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग द बेसिस फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर वेक्टर स्पेसेस। तो एक्चुअली पहले हम बेसिस फाइंड आउट करेंगे, फिर डायमेंशन को डिफाइन करेंगे, देन डायमेंशन भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता डायमेंशन क्या होता है, जस्ट अभी हमें बेसिस क्या होते हैं वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल एफ एन स्पेस। ठीक है, एफ एन स्पेस हम किस फॉर्म का लिखते हैं, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, एफ एन स्पेस को ऐसे डिफाइन किया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया इसका एफ एन का, ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, जनरल एक एलिमेंट लिया। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ए वन 1,0 एंड सो ऑन 0, यानी फर्स्ट को 1 फिक्स किया एंड ऑल को 0 कर दिया। सेकेंड ए टू सेकेंड को 1 कर दिया, अदर को 0 कर दिया। सिमिलरली प्लस ए थ्री एंड ए एन, ए एन में जो nth टर्म है उसको 1 कर दिया, अदर को सारे 0 कर दिया। तो अगर आप इसको दोबारा स्केलर मल्टीप्लाई करके वेक्टर एडिशन करते हो तो अगेन यही आएगा। लेकिन अब ये लिखने का मेरा पर्पज यही था कि मैं यहाँ से डायरेक्ट एफ एन स्पेस की बेसिस में लिख पाऊँ। तो अब देखो इसको मैंने दे दिया ई वन। ठीक है, जो ए वन के साथ जो वेक्टर है उसको ई वन नाम दे दिया, इसको मैंने ई टू ई थ्री एंड सो ऑन, इसको ई एन। ई वन इस टाइप का होगा, यानी फर्स्ट पोजिशन में 1 बाकी 0, ई टू फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे 1 बाकी 0, ये ई एन एंड सो ऑन। सो हियर बी इज द बेसिस फॉर एफ एन स्पेस, क्योंकि देखो ये तो जनरेट कर ही देगा। अब देखो एक क्या होना चाहिए, स्पैन ऑफ एस, अब यहाँ पे इसको बी लिया है मैंने, स्पैन ऑफ बी विल बी एफ एन होना चाहिए नंबर वन, और बी इज एल आई होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर द बेसिस। अब देखो ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन, तो ये तो हमें दिख ही रहा है, ये जो है एक कोई भी आर्बिट्री जो अगर हम ए वन ए टू ए एन हम एफ एन से ले रहे हैं तो वो स्पैन ऑफ बी में आ रहा है। ठीक है, तो स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ एन हो जाएगा। सेकेंड वन, अगर आप इसको एल आई दिखा दो तो एल आई इजिली आप शो कर सकते हो। ठीक है, एन इक्वेशन बनेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एन बनेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ए बी ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अभी तो फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसका क्या होता है। बाद में जैसे ही हम एफ एन का डायमेंशन क्या होगा बाद में अगर इस टाइप के आएंगे तो हम डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं। बेसिस के बारे में अगर पता होगा तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। और इस बेसिस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस और एफ एन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड बेसिस। क्लियर, जब ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तब भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर बेसिस गिवन है तो अच्छी बात है, अगर बेसिस गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस ही यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे सपोज आर टू है, इसका स्टैंडर्ड जो बेसिस होगा ऑफकोर्स 1,0, 0,1। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे बी डैश किया, मैंने ये लिखा 2,0 एंड 1,2। सो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये बी डैश भी स्पैन कर देगा पूरे आर स्क्वायर को। ठीक है, पूरे आर स्क्वायर को स्पैन कर देगा, और बी डैश जो होगा वो एल आई भी होगा। आप अगर चेक करते हो उसको एल आई भी होगा और स्पैन भी कर देगा, तो बी डैश भी इसका बेसिस है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस कह दिया तो ऑलवेज इस फॉर्म का आएगा जो कि यहाँ पे हमने इससे डिनोट किया है, बी से। ठीक है, ई वन ई टू ई एन। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, और जनरल अगर इस टाइप के बेसिस होंगे तो गिवन होंगे, स्टैंडर्ड बेसिस कहेगा तो ऑफकोर्स वो देगा नहीं, आपको खुद ही रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस आ गया। सो वी कैन मेक मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस फॉर इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस। तो उसके लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस बना सकते हो।
आप बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं बेसिस अगर होगा तो यूनिक ही होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस जो होगा वो एग्जैक्टली एक ही होगा, यूनिक होगा, लेकिन बेसिस बहुत हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेस वी नो MMN, ठीक है, MMN में कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, तो हमने ये लिख लिया। अब A11, A12 इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो ये जितने भी मैट्रिक्स होंगे दे ऑल एलाई, एंड ये दिख रहा है हमें, ये जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे इस टाइप के वो स्पैन कर रहे हैं पूरे MMN को, ठीक है। इसको मैं MMN भी आप लिख सकते हो, इसको इस पूरे को स्पैन कर रहा है। सो दिस बी इज ए बेसिस विच इज नॉन एज द स्टैंडर्ड बेसिस, इसको भी हम स्टैंडर्ड बेसिस ही कहेंगे। खैर जब डायमेंशन हम पढ़ेंगे तब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बाद में बात करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि किस टाइप के एलिमेंट हम इसमें लिख रहे हैं बेसिस में। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, M2R, दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसके कलेक्शन ले लिए, तो बी विल बी द बेसिस विल बी दिस वन, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट ए बी सी डी को इस फॉर्म में लिख दिया, ए कॉमन ले लिया, बाकी जीरो कर दिया, वन लिख के बी 0100, सी 0010 एंड डी 0001, ठीक है। अब इसका मैंने ए ए वन, चलो कैपिटल ई वन लिख देता हूँ मैं, ई वन, बी ई टू, सी ई थ्री, डी ई फोर, ये कर दिया। तो ई वन ई टू ई थ्री ई फोर जो है ये पूरे वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो ये जो होगा स्पैन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री ई फोर जेनरेट वी, एंड दिस ई वन ई टू ई थ्री ई फोर आर एल आई ऑल्सो, एल आई भी आप चेक कर लेंगे, क्योंकि एल आई चेक करने के लिए ऐसा ही हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, इक्वल टू में 0000 करना है, और ए बी सी डी की वैल्यू ऑलवेज 0000 आएगी, क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगा, इसके इक्वल में 0000 है, तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। इससे हमें ये भी पता चलेगा था जो एलिमेंट है ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ये स्पैन भी कर रहा है और एल आई भी है। सो दिस इज द बेसिस फॉर एम टू आर, सो दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एम टू आर। पॉलिनोमियल स्पेस P ऑफ F, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज कोफिशियंट आर टेकन फ्रॉम द फील्ड F, दिस फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। सो इस पॉलिनोमियल को, जनरल पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया ए नॉट वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वन एक्स एक्स स्क्वायर दे ऑल आर पॉलिनोमियल अगेन, ये भी पॉलिनोमियल ही है। तो ये पॉलिनोमियल को हमने एक सेट में लिख लिया, वन कॉमा एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और हम देख पा रहे हैं इसमें कैसे पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफरेंट हो, जिसकी डिग्री अलग हो, तो अलग अलग है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन है, इस टाइप के पॉलिनोमियल से दिस फॉर्म ए बेसिस फॉर PF स्पेस पॉलिनोमियल स्पेस, एंड दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पॉलिनोमियल स्पेस PF। अब यहाँ पे अगर PN गिवन हो, PN कैसा होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू N, अब इस टाइप का आएगा तो आप इसी एलिमेंट को उठा लो, ठीक है, इस एलिमेंट को उठा लो ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड शो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन, इसको आप लिख सकते हो ए नॉट, ये स्केलर है, स्केलर यहाँ पे वेक्टर ए वन स्केलर है, ये वेक्टर एंड शो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन, ये वेक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक पॉलिनो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन है,
और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ऑफ कोर्स ये भी पॉलिनोमियल ही है। सो इसका अगर आप कलेक्शन बना लेते हो, दिस विल बी एल आई एंड दिस स्पैन टू एवरी एलिमेंट ऑफ पी एन स्पेस। जनरेट भी कर रहा है पी एन को और एल आई भी है। सो दिस फॉर्म ए बेसिस और दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पी एन एफ। आप यहाँ देख सकते हो पी टू एफ के लिए, ठीक है। तो इसकी बेसिस क्या होगी? बेसिस होगी 1x x स्क्वायर। तो जैसे ही आपको जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है इस टाइप के पता चल रहा है, तो आप डायरेक्ट जैसे पी फाइव का अगर आपको बेसिस लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हो। कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। इस तरीके से आप बेसिस लिख सकते हो फॉर स्पेशल वेक्टर स्पेसेस। अगर आप इसको वेरीफाई कराओ कि यही भी इसका बेसिस है, तो जस्ट यू हैव टू शो दिस इज एल आई एंड दिस स्पैन टू पी टू एफ। तो अगर एल आई है, सपोज वी हैव सम स्केलर ए बी सी विच सेटिस्फाई द कंडीशन, देन दिस। अब दो पॉलिनोमियल, ये 0 मीन्स द ईयर, 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर। दो पॉलिनोमियल कब इक्वल होंगे? जब कोफिशियंट इक्वल होंगे। सो ए बी सी आर 0, देयरफॉर बी इज एल आई। स्पैन के लिए वी नो द डेफिनेशन ऑफ स्पैन, जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ बी। सो ये क्या दे रहा है, ये देखो, दिस इज नथिंग बट द पी टू एफ। ये तो पी टू एफ ही है। सो बी इज बेसिस फॉर पी टू एफ। वेरीफाई भी कर सकते हो बिकॉज हमने इसी से पी टू एफ को डेराइव किया है।